नमस्कार मित्रों, मैं नीरज देव कोचिंग एसोसिएशन अध्यक्ष बोल रहा हूँ। बिहार सरकार के बेगूसराय जिले के पूर्व जदयू एमएलसी भूमिपाल राय जी का एक बयान आया है, जिसका बड़ा भाई हो शराबी वो पिए तो क्या है खराबी। जिले में शोर मचा है, लेकिन यह शोर जायज है। शोर इसलिए जायज है कि जिसका बड़ा भाई ही शराबी होगा, छोटा पिएगा तो उसमें कोई खराबी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, भूमिपाल राय जी का एक बयान आया है शिक्षा और शिक्षण संस्थान में काम कर रहे लोगों के खिलाफ, उन्होंने शिक्षा माफिया कहकर संबोधित किया है। सबसे पहला सवाल तो मैं बेगूसराय भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री राजकिशोर सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, तो सबसे पहले तो उनको जवाब देना चाहिए कि आप भूमिपाल राय जी के बयान के समर्थन में हैं या नहीं हैं। अगर समर्थन में हैं तो विद्यालय आपका भी है, आप भी एक शिक्षक हैं, आप भी राष्ट्र निर्माता हैं, आप भी समाज के भाग्य विधाता हैं, आप भी समाज में काम करने वाले वो कुम्हार हैं जो लोगों को एक नई दिशा, बच्चों में एक नया संस्कार भरते हैं। ये विकास पुरुष के राज्य में चाणक्य की के प्रति सोच को दर्शाता है। शिक्षा और माफिया दो विपरीत शब्द हैं। शिक्षा समाज में माफिया पैदा होने देना नहीं चाहता है। हम शिक्षक माफिया पैदा नहीं करते, हम शिक्षक माफिया नहीं हैं, हम दारू की स्मगलिंग नहीं करते हैं, हम गांजा की स्मगलिंग नहीं करते हैं। बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हर वर्ष आपका और आपके राज्य में इनकम टैक्स देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, समाज में माफिया पैदा ना हो इसकी ज्योति जलाने वाले जो शिक्षक हैं, राजनीति की आंखों में चुभती हैं। बड़े मकान साहब आपको दिखते हैं, लेकिन उस मकान को बनाने में एक छोटे से शिक्षक का कितना बड़ा योगदान है, आप इसको भूल गए। चाणक्य के देश में चाणक्य की इतनी बड़ी बेइज्जती। यह सवाल पूछता हूँ कि जो व्यक्ति दिन रात जलते हैं, दीपक की तरह जलते हैं, और उसी दीपक जो अंधकार हरने के हुनर पर समाज उसका मूल्यांकन करती है, ये बात सच है कि समाज के निर्माता, समाज के भाग्य विधाता, समाज में दीप जलाने वाले लोग को भूमिपाल राय जी कहते हैं कि शिक्षा माफिया है। मैं भूमिपाल राय जी से पूछता हूँ कि क्या आपकी पार्टी या आपने कभी माफियाओं के खिलाफ कोई अभियान चलाया है? जिले में कई माफिया हैं, आप उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको वहाँ से चढ़ावा चाहिए, चढ़ावा चाहिए ताकि आपका कार्यक्रम चल सके। उसी विद्यालय में आप प्रोग्राम करते हैं, उस वक्त वो माफिया नहीं है। आपको चंदा देते हैं, उस वक्त माफिया नहीं है। कोचिंग संस्थान के शिक्षक कम पैसे में किराए के मकान में कोचिंग चलाते हैं और आप शिक्षक का अपमान करते हैं। सरकार की यह विकास नीति कैसी है? सरकार की यह शिक्षा नीति कैसी है? पढ़ता बिहार और बढ़ता बिहार कैसे संभव हो पाएगा? क्या यह केवल शब्दों का अंबार है? सरकार की नीति स्पष्ट दिख रही है कि एक गहरे साजिश के तहत शिक्षण संस्थान और उसमें काम करने वाले शिक्षकों के प्रति ये गहरी साजिश है, षड्यंत्र है। मत भूलिए, शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण पलते हैं। चुनाव नजदीक है, आपके सरकार में काम कर रहे शिक्षक भी आपके विरोध में हैं, और आप प्राइवेट शिक्षक पर आवाज उठाते हैं, शिक्षण संस्थानों पर आवाज उठाते हैं। आप अपनी नाकामी छुपाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। एक बात मुझे याद है, मैंने कविता पढ़ी थी बचपन में, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यह बयान आपके पार्टी के अहंकार का है, यह बयान आपके पार्टी के अंत का है, यह बयान आपकी छोटी और विक्षिप्त मानसिकता का है, यह बयान आपको भूमि में धूमिल करने वाला बयान है। याद रखिए, शिक्षक चाणक्य हुए, घनानंद को परास्त किया और चंद्रगुप्त निखर कर आए। चंद्रगुप्त और घनानंद में बस इतना सा अंतर है कि चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ खड़े थे, घनानंद के साथ नहीं खड़े थे। याद रखिएगा, आज मैं आपको यह बयान देता हूँ। मैं इस बात से भीतर नहीं होता हूँ कि कुछ विद्यालय
जो विरोध प्रदर्शन करने के नाम पर या फिर पेरेंट्स पर थोड़ा बहुत दबाव जो बना रहे हैं, इससे पेरेंट्स नाराज हैं, मैं इसको स्वीकारता हूँ। लेकिन जब तक विद्यालय में पैसा नहीं आएगा, जब तक विद्यालय में पैसा नहीं आएगा तो शिक्षक को पैसा नहीं मिलेगा, बच्चे ठीक से पठन पाठन नहीं कर सकेंगे। और आपने माफिया कहकर संबोधित किया, मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ, मैं आपको आंदोलन की चेतावनी देता हूँ, आप अपने बयान वापस लें, शिक्षक समाज और शिक्षण संस्थान से माफी मांगें। बहुत बहुत